भिलाई निगम प्रशासन हो या कोई भी निगम प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ मिलकर 7 मई को होने वाले मतदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में शांतिनगर दशहरा मैदान में प्रशासन 11 और नागरिक 11 के बीच एक फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया। दुर्ग जिला प्रशासन अपने जिले के सभी नगर निगम के साथ मिलकर दुर्ग जिले में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत लाने के मकसद से विभिन्न प्रकार के आयोजन प्रायोजन कर रहा है। इसी कड़ी में भिलाई शांतिनगर दशहरा मैदान में प्रशासन 11 और नागरिक 11 के बीच एक फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया, जिसमें टॉस जीतकर प्रशासन 11 ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और अपनी टीम के लिए दुर्ग रेंज के आईजी और दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर पूरी टीम ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और एक सम्मानजनक स्कोर बनाया। इसके विपरीत दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए नागरिक 11 ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया और दिए गए लक्ष्य को बेहतरीन तरीके से हासिल करके जीत हासिल की। यह फ्रेंडली मैच मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रखा गया था, ताकि अंतिम चरण के स्वरूप दुर्ग जिले में होने वाले मतदान के प्रतिशत को शत प्रतिशत पहुंचाया जा सके। आज यहां जिला प्रशासन द्वारा सद्भावना क्रिकेट मैच आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक 11 और प्रशासन 11 के बीच मैच खेला जा रहा है। ये स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजन किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं, शहर के नागरिक हैं, उनको मतदान के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करना, ताकि वो 7 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो मताधिकार हमारे शहीदों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियाँ देकर हमें हासिल करवाया है, उसका संपूर्ण उपयोग करें, ताकि देश का लोकतंत्र स्वच्छ और सुरक्षित रहे। दुर्ग जिले में 7 मई को मतदान होने जा रहा है, उस संदर्भ में यहाँ पे जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने मिलकर एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच रखा है मतदाताओं को जागरूकता लाने के लिए। ये मैच रखना काफ़ी संतोषजनक चीज़ है। सभी मतदाता, जिले में करीब करीब 18 लाख मतदाता जितने भी है, सभी लोग 7 मई को अपना जो मतदान का हक है वो पूरी तरीके से बजाए। मतदान का हक भी है और एक ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी है, तो सब लोग इसको पूरी तरीके से कोई भी बिना चूके मतदान करे। जितना ज़्यादा मतदान होगा उतना हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। मैं भी एज अ जनरल ऑब्जर्वर आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतदान करिए। थैंक यू। जितने भी 18-19 साल के जितने फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वो सभी लोग, ये आपके लिए एक अच्छी फर्स्ट टाइम वोटिंग करने की एक अच्छी आपको मिल रही है, सौगात मिल रही है। आप डेमोक्रेसी के डायरेक्टली पार्ट होने के ये फर्स्ट टाइम है, तो उसको बखूबी निभाइएगा। वोटर्स हमारे देश में देखा जाए तो फर्स्ट टाइम वोटर्स करीब करीब 2% से 3% लोग सभी मतदान क्षेत्रों में 3% तक फर्स्ट टाइम वोटर्स है। तो आप सभी को भी मैं बधाई देते हुए, आप इस मतदान की प्रक्रिया में सहभागी हो रहे हैं इसलिए बधाई देते हुए आपको पूरी तरीके से 7 मई को वोटिंग करने के लिए विनंती करता हूँ। दुर्ग जिले में मतदान होने में अभी थोड़ा समय और बाकी है और इस समय को भी जिला प्रशासन और निगम प्रशासन मिलकर मतदाता जागरूकता के कार्यक्रमों में लगाकर दुर्ग जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में लगा हुआ है। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।